ज़िले में जिस तरीके से हमने सेकंड वेव में काफ़ी सब ने मिलकर पूरी टीम ने और आवाम के तावन के साथ सेकंड वेव में हमने जो ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था उससे बड़ा स्मूथली हमने उसको टैकल किया और ऑक्सीजन बेड्स सफ़िशेंट नंबर में अवेलेबल कराए गए अभी जो इकदाम उठाए गए हैं उनमें एक तो ऑक्सीजन प्लांट्स का ऑडिट किया गया है जिसमें तमाम ऑक्सीजन प्लांट्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आ, पूरा ऑडिट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया है उसके साथ जो गैदरिंग्स हैं उन पर लिमिट पच्चीस की ही रखी गई है तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स को बताया गया है कि ऑफलाइन मोड में काम करें उसके साथ नाइट कर्फ्यू जो नॉन असेंशियल मूवमेंट है ट्रांसपोर्ट की उसको रात के नौ बजे से सुबह के छः बजे तक उसको बंद कर दिया गया है जितने हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं यहाँ उनके लिए एस इन प्लेस हैं जिसमें एयरपोर्ट पर मैंडेटरी आर टी पी सी आर टेस्टिंग होती है और जब तक आर टी पी सी आर का रिजल्ट नहीं आता उनको आइसोलेशन में रखा जाता है आज तक टोटल चौदह लोग पॉजिटिव आए हैं जिनमें छः फर्स्ट एयरपोर्ट पर आए हैं और उसके बाद बाकी जो आठ हैं वो एट्स डे में जो रिपीट सैम्पलिंग होती है उसमें पॉजिटिव आए हैं तो इस तरीके से सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं श्रीनगर ज़िले में जहाँ तक तैयारियों का ताल्लुक है तो इसमें लगभग आर टी टेस्टिंग बीस परसेंट हमने बढ़ाई है उसके साथ साथ अगर हम देखें सेकेंड वेव के दौरान टोटल हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस आए थे 1300 तो उसके लगभग चार मल्टीप्लाइंग फैक्टर फोर करके हमने मज़ीद अपनी प्रपरेशन की हैं हम पूरे तरीके से तैयार हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने सक्सेसफुली सेकेंड वेव से जैसे बाहर निकल के आए थे थर्ड वेव की जो एक यलगार है या थर्ड वेव की जो इमिनेंट थ्रेट है उससे हम बच तभी बच सकते हैं जब जब हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे और एस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे एस का पालन करेंगे तभी हम इससे बच के बाहर निकल सकते हैं वरना जो ट्रांसमिशन रेट है जिस तेज़ी से इन्फेक्शन फैलता है अब की बार जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा वेरलेंट है और इसमें इन्फेक्